हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जब भी हम किसी पाइथन को जब किसी पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें उसमें कुछ इनपुट्स लेने पड़ते हैं। हमारे द्वारा किया गया इनपुट या तो इंटीजर टाइप का होगा, या फिर फ्लोट टाइप का यानी कि पॉइंट की वैल्यू, या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू, या फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने प्रोग्राम में जब भी इनपुट लेना होता है तो हम इन चारों तरीके का इनपुट किस तरीके से लेते हैं, कैसे हम एक इंटीजर का इनपुट ले सकते हैं, कैसे एक करेक्टर वैल्यू का, कैसे एक पॉइंट वाली वैल्यू का, और कैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम इन चारों का इनपुट प्रोग्राम में किस पैटर्न से या किस तरीके से ले सकते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको सीखने को मिलेगा कि हम सारे इनपुट कैसे लेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको चारों तरीके के इनपुट लेना सिखाएंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि आप कैसे एक प्रोग्राम में इन सभी का इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर पे IDLE खोलना पड़ेगा। तो हम लोग IDLE को ओपन करेंगे, हमें एक न्यू फाइल लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रोग्राम लिखने के लिए एक फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर न्यू फाइल ले ली। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो अगर आपको एक प्रोग्राम में इंटीजर का इनपुट लेना है तो देखिए हम कैसे लेंगे। ए इज इक्वल टू, हमें सिखाया गया है कि हमारा एक फंक्शन होता है इनपुट, जिसका यूज़ करके हम किसी भी नंबर, किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमें यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि हम एक इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे, एंटर एंटर अ नंबर, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो इनपुट फंक्शन होता है, ये जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग में रिसीव करता है। तो हमें इस स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग मतलब होता है टेक्स्ट जिसमें कई सारे करेक्टर्स हों, जैसे कि आपका नाम एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमें इस इनपुट को चेंज करना पड़ेगा उसकी इंटीजर वैल्यू में। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है इंट, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। तो ये चीज़, तो ये जो इंट फंक्शन है, ये जो भी इनपुट आप डालोगे, न्यूमेरिक वैल्यू एक जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, जिसको ये फंक्शन कन्वर्ट करके इंटीजर फॉर्म में बनाएगा और फिर उसको उस वैल्यू को ए को दे देगा। अगर हम इस ए की वैल्यू को प्रिंट करके देखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ए। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा ए। तो अब इसको हम आउटपुट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से वो इनपुट रिसीव करेगा और प्रिंट से उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो हम रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमसे फाइल सेव करने के लिए बोलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, सपोज़ हमने फाइल का नाम दिया इनपुट और हमने इसको रन कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, पाइथन सेल पे हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और ये मांग रहा है एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पर एक नंबर प्रेस करेंगे जैसे कि 5 और एंटर करेंगे तो हमें वापसी में वो आउटपुट के रूप में मिला, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट ए लिखा था जिसकी वजह से उसने उस वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं इनपुट में, इंटीजर का इनपुट। अगर हम इसमें ये इंट हटा देते हैं तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो इनपुट रिसीव करेगा। जैसे कि अभी हम इसमें ए प्लस, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, अगर हम इसमें ए प्लस लगा के 6 लिख दें तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसमें 6 को ऐड करके और आंसर के रूप में डिस्प्ले करेगा। हम लोग इसको एक बार फिर से रन करेंगे। तो रन करने का शॉर्टकट होता है F5। तो हमने F5 प्रेस किया, सेव करने के लिए बोला, यहाँ पर प्रोग्राम रन हो गया है। हमें इनपुट डालना है जैसे कि हमने यहाँ पर डाला 4, तो ये हमने जो इनपुट डाला 4 ये ए में जाएगा और हमने प्रिंट में लिखा था ए प्लस 6। तो उसने देखो क्या किया है, इसमें उसने एक में 6 को ऐड किया है, यानी कि 4 में 6 का ऐड हुआ तो 10 बन गया और यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि इसने एक न्यूमेरिक एडिशन किया। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम से ये इंट हटा देते हैं इस तरीके से, तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पर ये रन हुआ, एंटर अ नंबर, हमने यहाँ पर नंबर दिया जैसे कि 5 और हमने एंटर किया। तो देखो यहाँ पर एरर जनरेट हो गई। एरर जनरेट होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो ए है ये एक इनपुट वैल्यू को लिए बैठा है, यानी कि हमने जो प्रोग्राम को रन करते समय जो 5 डाला था उसको उसने स्ट्रिंग की तरह रिसीव किया, और स्ट्रिंग की तरह रिसीव करके जब स्ट्रिंग में आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन करोगे तो पाइथन के अंदर एक एरर जनरेट होती है, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ आप एक इंटीजर वैल्यू का एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो ऐसा करने के लिए हमारी मजबूरी है, हम इसे इंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही एक न्यूमेरिक वैल्यू की तरह परफॉर्म कर पाएगा। तो उसी के लिए हमें यहाँ पर इंट लगाना पड़ा। तो हमने कुछ इस तरीके से इंट ब्रैकेट में फिर से लगा दिया और अब ये न्यूमेरिक एडिशन कर पाएगा, क्योंकि अब इस ये जो इनपुट हम डालेंगे उसको पहले इंट में कन्वर्ट किया जाएगा इंट फंक्शन की हेल्प से, और उसके बाद वो ए वैल्यू को दिया जाएगा और यहाँ पर एक न्यूमेरिक एडिशन परफॉर्म हो पाएगा। तो इस तरीके से देखा कि हम किसी भी प्रोग्राम में अगर इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें इनपुट फंक्शन से पहले इंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है और वो वेरिएबल में चली जाती है। ओके, अब है नेक्स्ट, हमें सीखना है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में पॉइंट की वैल्यू का इनपुट लेना चाहते हैं तो ये काम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें, जैसे हमने यहाँ पर इंट फंक्शन का यूज़ किया है, हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लोट, FLOAT। ये फ्लोट फंक्शन क्या करता है, आपके द्वारा डाले गए नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पॉइंट की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसको वापस ए को देगा। अगर हम ये फ्लोट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो ये इंटीजर की तरह पहले जैसे कि उसमें हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू दी थी लेकिन उसने उसको स्ट्रिंग माना, ऐसे ही हम जो पॉइंट की वैल्यू डालेंगे उसको फिर से वो स्ट्रिंग मानेगा और फिर यहाँ पर वो एडिशन नहीं कर पाएगा और इस वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो हम एक बार फिर से इसको रन कराएंगे, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर वो मांग रहा है एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पर एक नंबर देंगे वो भी पॉइंट का, जैसे कि 12.5, और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो 12.5 में 6 ऐड हो जाएगा और 18.5 बना और वो डिस्प्ले हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है A+6, तो A की वैल्यू में हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू डाली वो उसने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ली, उसके बाद ये फ्लोट फंक्शन ने उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया, उसके बाद ए को दिया और यहाँ पर A+6 और उसके बाद ए में 6 का ऐड हुआ, तो हमने जो वैल्यू डाली थी 12.5 इसमें 6 का ऐड होके वो 18.5 बना और उसने एक न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाया। तो जब भी हमें ये, हमने 6 ऐड बस इसलिए रखा है ताकि हम ये देख सकें कि कैसे हम कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ए में जो वैल्यू जा रही है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है या फिर पॉइंट वाली वैल्यू जा रही है, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर इसमें 6 का ऐड करके देखा है ताकि प्रैक्टिकली उसको पता लगा सकें। तो अभी आपने सीखा कि फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके हम पॉइंट की वैल्यू को लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें अपने प्रोग्राम में कैरेक्टर का इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे, या फिर हमें स्ट्रिंग का इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। तो पाइथन के अंदर अगर आप कैरेक्टर का इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों टाइप की वैल्यू का इनपुट ले सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डाला एंटर अ कैरेक्टर, तो इसमें हमें किसी एक्स्ट्रा फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू रिसीव करेगा, जो भी कैरेक्टर रिसीव करेगा, उसको डायरेक्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करेगा और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ए को डिस्प्ले कराएंगे, अब हम इसको रन करके देखेंगे। हमने F5 प्रेस किया, एंटर अ कैरेक्टर, हमने यहाँ पर डाला एस और इसने एस को रिसीव किया और एस को डिस्प्ले कर दिया। सेम हेयर, अगर हमें स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो उसके लिए भी हमें इसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है इनपुट का। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, तो एंटर अ स्ट्रिंग डाला और इसको हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शन सफिशियंट है किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए। तो हम यहाँ पर फिर से इसको रन करेंगे, हमने F5 प्रेस किया, यहाँ पर हमने एक नाम डाला एंटर अ स्ट्रिंग, तो हम डालेंगे यहाँ पर शशांक और हमने एंटर किया, तो हमने देखा कि ये शशांक इसने डिस्प्ले कर दिया, यानी कि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग का इनपुट रिसीव करने के लिए सफिशियंट होता है और इससे हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को अगर हम हमें चेंज करना है तो उसके लिए एक फंक्शन ज़रूर होता है CHR, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा CHR और इसको ब्रैकेट में डालते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कैरेक्टर को ले पाता है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर करेक्टर, ये बस मैसेज है, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो भी हमें सुटेबल लगेगा इनपुट लेने के लिए वो हम यहाँ पर मैसेज करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया एंटर करेक्टर, हम एक बार इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि CHR फंक्शन भी होता है जो हमें करेक्टर इनपुट लेने में हेल्प करता है। तो हम इसको रन करेंगे और यहाँ पर एक करेक्टर डालेंगे, जैसे कि डाला R, तो एंटर करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर ये एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करता है लेकिन हमने जो वैल्यू डाली है वो एक अल्फाबेट है, इसलिए उसने उसको कन्वर्ट नहीं किया और ये एरर जनरेट की। क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एन इंटीजर इज़ रिक्वायर्ड, पर मिला क्या उसे गॉड टाइप स्ट्रिंग, यानी कि हमने जो डाला था वो आर था जो कि उसने स्ट्रिंग टाइप से रिसीव किया।
तो अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी भी करेक्टर का इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट लेते समय आप CHR फंक्शन का यूज़ ना करें, आपके लिए इनपुट ही सफिशियंट है जब भी आप करेक्टर का इनपुट लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर और स्ट्रिंग दोनों का अगर आपको इनपुट रिसीव करना है तो उसके लिए इनपुट फंक्शन सफिशियंट है जिसका यूज़ करके आप इनपुट को रिसीव कर सकते हो और एक करेक्टर का और एक स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हमें इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर या स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारा इनपुट फंक्शन तो लगना ही है, इसके साथ साथ हमें कुछ कन्वर्जन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिसका यूज़ करके हम उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर वैल्यू को देते हैं। तो हमने क्या किया, एंटर अ करेक्टर, करेक्टर का इनपुट इसी तरीके से लिया। स्ट्रिंग का अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमने सेम बिहेवियर को यूज़ किया, सेम फंक्शन को यूज़ किया, जैसे कि बी एंटर अ स्ट्रिंग। अगला, अगर हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू का इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा आगे ब्रैकेट में इंट, हम यहाँ पर एक्स दूसरा भर लेते हैं सी, और ऐसे ही हम डालते हैं यहाँ पे फ्लोट का, तो उसके लिए हमें फ्लोट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने चारों के सिंटेक्स लिख दिए हैं कि अगर आपको एक करेक्टर का इनपुट लेना है तो आप कैसे लोगे, अगर आपको एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, अगर आप एक इंट का इनपुट लेना चाहते हो तो कैसे लोगे, अगर आप एक फ्लोट नंबर का इनपुट लेना चाहते हो, पॉइंट वैल्यू का इनपुट लेना चाहते हो तो कैसे लोगे। तो ये कोड है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम चारों तरीके के इनपुट किस तरीके से रिसीव करेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको इन चारों टाइप की वैल्यू का इनपुट ज़रूर लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे एक करेक्टर का इनपुट, कैसे एक स्ट्रिंग का इनपुट, कैसे इंटीजर और पॉइंट की वैल्यू का इनपुट रिसीव करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। इनपुट किसी प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हो आपको प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ आगे करते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।